बोधगया में एक किरण अरोहा संस्था द्वारा गौ बैजूबिघा महादलित तोरा दुमहान में संस्था के द्वारा गठित किशोर एवं किशोरी समूहों के द्वारा तैयार किया गया मानव व्यवहार बाल श्रम पर आधारित नुक्कड़ नाटक माई ये माई अब ना जाई परदेश का आयोजन किया गया। का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के बीच मानव व्यवहार एवं बाल श्रम पर जागरूकता फैलाना है, क्योंकि संस्था के द्वारा विगत 8 वर्षों से निरंतर मानव व्यवहार एवं बाल श्रम पर काम करने के दौरान यह अनुभव किया गया कि जागरूकता से जुड़ी जरूरतों के पूरी न होने के अभाव में ज्यादातर गांवों में महादलित के बच्चे बाल श्रम अथवा मानव व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। संस्था के प्रखंड समन्वयक मनोज कुमार ने वहां उपस्थित ग्रामीणों के बच्चों के द्वारा प्रसारित नाटक के जरिए मानव व्यवहार एवं बाल श्रम से जुड़े तथ्यों को बताया। यह भी जानकारी दी गई कि गया जिले से लगातार मानव व्यवहार के तस्करों द्वारा 6 से 14 वर्षों के बच्चों को बाल श्रम के लिए हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, कुल्लू मनाली, भूटान एवं जयपुर के चूड़ी कारखानों में श्रम के लिए मानव व्यवहार का शिकार कर कुछ पैसों का लोभ देकर ले जाता है। चंद पैसों के लालच में इन बच्चों का बचपन इनसे छीन लिया जाता है। इन बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नाटक में भिन्न किरदार निभाने के लिए नाटककार के रूप में ग्राम पड़ रहा बोधगया से शाहिल गुप्ता, आराधना, प्रियांशु, ऋषभ, विनय, सुचिता, राखी, अर्चना, ज्योति, सिमरन, आंचल, अनुराग बाल कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक किरण अरोहा हमारे संस्था जो कि मानव व्यापार पर विगत 8 वर्षों से गया जिले में कार्यरत है, उसका उद्देश्य मानव व्यापार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना एवं इसकी रोकथाम है। इसके तहत हमने बोधगया के गांवों में किशोर एवं किशोरियों का समूह बनाया है, जिनमें से कुछ बाल कलाकारों का चयन करके हमने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया है जो बच्चों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा गाँव में, जिसका उद्देश्य मानव व्यापार की रोकथाम है एवं जन जागरूकता फैलाना है। इस नुक्कड़ नाटक का नाम माई के माई अब न जाई परदेश, और इसके जरिए बच्चों के द्वारा गांव में बैजूबिघा गांव में आज एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव में और समाज में जो दुष्परिणाम है मानव व्यापार के एवं बाल श्रम के उसको दर्शाना है, जो कि आज के कार्यक्रम में किया भी गया है, और बच्चों का जो अधिकार है उन्हें शिक्षा से जोड़ना उस पे जोर दिया गया है, ताकि बच्चों को खास करके विद्यालय की तरफ मोड़ा जा सके और बाल श्रम से उन्हें बचाया जा सके।